सीएम योगी आज पूर्वांचल को देंगे बड़ी सौगात। गाजीपुर और जौनपुर में कई विकास योजनाओं का करेंगे लोकार्पण और शिलान्यास। जनसभा को भी करेंगे संबोधित। अगले दो दिन में 7 जिलों का करेंगे दौरा। वाराणसी के दौरे पर सीएम योगी काशी विश्वनाथ मंदिर में किया जलाभिषेक। कॉरिडोर के निर्माण कार्यों का भी लिया जायजा। वाराणसी में यूपी सरकार की प्रदर्शनी का सीएम योगी ने लिया जायजा। बच्चे को गोद में उठाकर किया दुला। ग्रेटर नोएडा में सीएम योगी के दौरे से पहले सम्राट मेहर भोज को लेकर विवाद। भारी पुलिस फोर्स तैनात। 22 सितंबर को प्रतिमा का अनावरण करेंगे मुख्यमंत्री। यूपी में आज बीजेपी विधायक अपनी अपनी विधानसभा में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर योगी सरकार की उपलब्धियां गिनवाएंगे। रविवार को योगी सरकार के 4.5 साल हुए थे पूरे। अयोध्या में सीएम योगी ने किए रामलला के दर्शन। बीजेपी ओबीसी मोर्चा की बैठक में बोले, गिरगिट की तरह रंग बदलने वाले आज राम राम कर रहे। फूलन की मूर्ति के बहाने सियासत चमकाने की कोशिश। रायबरेली में निषाद समाज ने किया है मूर्ति लगाने का ऐलान। प्रशासन की रोक के बावजूद सपा मूर्ति लगाने पर अड़ी। उन्नाव से बीजेपी सांसद साक्षी महाराज की ओबीसी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग। अपर मुख्य सचिव गृह को लिखा पत्र, कहा उनके बयान सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने वाले। ओबीसी को अतीक अहमद से मिलने की इजाजत नहीं। साबरमती जेल प्रशासन ने नहीं दी परमिशन। ओबीसी ने रद्द किया जेल जाने का कार्यक्रम। यूपी में चुनावी रैलियां तैयारियां जोरों पर। आज अमेठी से समाजवादी पार्टी निकालेगी किसान नौजवान पटेल यात्रा। कांग्रेस महासचिव प्रियंका वाड्रा 29 सितंबर से मेरठ में से शुरू करेंगी प्रचार। टीएमसी में शामिल होते ही बाबुल सुप्रियो का बीजेपी पर हमला। बोले, केंद्रीय मंत्री बनने के बाद मुझे एक मौका मिला पर मेरा इस्तीफा ले लिया गया। चरणजीत सिंह चन्नी होंगे पंजाब के नए सीएम। आज होगा शपथ ग्रहण समारोह। पंजाब में दो मुख्यमंत्री भी बनाएगी कांग्रेस। चरणजीत सिंह चन्नी पंजाब के पहले दलित मुख्यमंत्री होंगे। ट्विटर पर कांग्रेस नेताओं ने दलित मुख्यमंत्री बनाने के फैसले की जमकर तारीफ की। सिद्धू ने फैसले को ऐतिहासिक बताया। चरणजीत सिंह चन्नी के सीएम बनने को लेकर बीजेपी ने उठाए सवाल। पार्टी के आईटी सेल प्रमुख अमित मालवीय ने ट्वीट कर पूछा, मुख्यमंत्री मीटू के आरोप में घिरा हो तो क्या महिलाएं वहां अपने आप को सुरक्षित महसूस करेंगी। लखीमपुर में केंद्रीय मंत्री अजय मिश्र ने पंजाब में सियासी फेरबदल कर कसा तंज। कहा, अमरिंदर सिंह के सिद्धू पर लगाए गए आरोपों की होनी चाहिए जांच। मैनपुरी में मंत्री उदयभान सिंह ने साधा प्रियंका गांधी पर निशाना। कहा, किसानों के हित में काम कर रही बीजेपी सरकार। मिशन 2022 में जुटी उत्तराखंड बीजेपी। रुड़की में बीजेपी ओबीसी मोर्चा के प्रदेश कार्य समिति का विशेष कार्यक्रम। सीएम धामी करेंगे शिरकत, कार्यक्रम को करेंगे संबोधित। चमोली के नारायण ब्लॉक के पंथी गांव के पास फटा बादल। भारी तबाही की आशंका। कई आशियानों के जमींदोज और मलबे में गाड़ियों के फंसे होने की खबर। राहत बचाव कार्य जारी। उत्तराखंड में मौसम ने बदली करवट। अलर्ट जारी। मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों तक भारी बारिश के जताए आसार। पूर्व केंद्रीय मंत्रियों के जे अल्फोंस का केरल सरकार पर बड़ा आरोप। कहा, 5-10 साल में केरल बन जाएगा दूसरा तालिबान। यूडीएफ और एलडीएफ राज्य में चरमपंथी संकटों को दे रहे हैं बढ़ावा। सऊदी अरब के विदेश मंत्री फैजल बिन फरहान अल साउद आज प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात करेंगे। अफगानिस्तान समेत द्विपक्षीय मुद्दों पर हो सकती है चर्चा।